मैं चला आगे, सुबह बस हो ही चली थी, आगे जाके एक दुकान पे बहुत भीड़ लगी थी। मैंने पूछा क्या बेच रहे हो, न दाल है न चीनी न नमक। दुकानदार ने कहा पूछा है इस बार न पूछना, दोबारा दे रहा हूँ सबक। मेरे पास बेचने को कुछ नहीं, सो बेच रहा हूँ गफलत। दाल बहुत महंगी है सो लोग खरीद रहे हैं नफरत। सब अपनी सहूलियत से खरीदते हैं नफरत, कोई कम कोई ज्यादा। ये दुकानदार मेरे दोस्त है बस नफरत का एक प्यादा। और दुकानदार ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता। नावारा है। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 2019 लोकसभा चुनावों के बाद सत्ता में दोबारा आए तो मई में होने वाले ये चुनाव देश के आखिरी चुनाव होंगे। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये शब्द हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद साक्षी महाराज के। अब चुनाव होने वाला है तो देश का चुनाव होने वाला है। पहले बार देश में जागृति आई है, हिंदू जग गया है, लोग जग गए हैं। और मुझे लगता है इस चुनाव के बाद, मैं सन्यासी हूं, मंदिर द्वारा कह देता हूं, अनुरोध करता हूं, इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा। दोस्तों इस तरह की बातें अक्सर दबी जुबान में वो लोग करते हैं जो कि प्रजातंत्र के प्रति इस सरकार की जो कटिबद्धता है, जो जिम्मेदारी है, अक्सर उसे देखकर ये बातें अक्सर दबी जुबान में की जाती थी कि अगर मोदी दोबारा सत्ता में आए तो वो प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे। आज इस बात की तस्दीक कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कर रहा है, वो भी एक खुले मंच पर। इस दावे के गुनाह को समझिए दोस्तों। आपका एक चुना हुआ प्रतिनिधि आपसे यह कह रहा है कि अगर आप इस शख्स को दोबारा चुनकर लाएंगे तो यह देश का आखिरी चुनाव होगा। आखिरी चुनाव के मायने समझते हैं आप? आखिरी चुनाव का मायने यह हुआ कि आगे से सत्ता में जो भी होगा उसकी जवाबदेही बंद हो जाएगी। हमने मध्य पूर्व में देखा है, हमने मुअम्मर गद्दाफी को देखा है, हमने सद्दाम हुसैन को देखा है, हमने उन तमाम बड़े बड़े तानाशाहों को देखा है जहां पर चुनावों के कोई मायने नहीं होते हैं। और इन तमाम व्यवस्थाओं में हमने देखा है कि किस तरह से जो सत्ता में बैठा ताकतवर व्यक्ति है उसकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। और उसकी नींव यह नहीं है कि खत्म हो चुकी है भारत में, मगर उसकी नींव लगातार रखी जा रही है, उसकी जमीन लगातार तैयार की जा रही है। और इसका एक प्रमाण है पुलवामा में हुआ हमला जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। एक ऐसे वक्त जब इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर इस देश की मीडिया को सवाल उठाने चाहिए थे, इन तमाम मुद्दों को दफन कर दिया गया और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसा उन्माद फैलाया गया। अब यह कहा जाने लगा है कि पुलवामा में शहादत के चलते मोदी दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। दोस्तों मैं आपका ध्यान कुछ और मुद्दों की तरफ खींचना चाहूंगा। मसलन 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, मगर क्या आप जानते हैं कि 12 अप्रैल को क्या हो रहा है? 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर बन रही यह फिल्म जिसमें विवेक ओबेरॉय अभिनय कर रहे हैं वो रिलीज हो रही है। दोस्तों ये अपने आप में कल्पना से विचित्र है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग सो रहा है? क्या चुनाव आयोग इतना हैंडीकैप हो गया है कि उसको ये तमाम चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं? ये सरासर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, उसका उल्लंघन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम दावेदारों में से है जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके नाम की फिल्म इस तरह से रिलीज हो रही है। यह आपको कल्पना से विचित्र नहीं लगता दोस्तों? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताना चाहूंगा। जब मैं छोटा था और उस वक्त मुझे याद है रेखा की एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था खून भरी मांग। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं उनका रोल था और मुझे याद है शत्रुघ्न सिन्हा यहां दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे और इन चुनावों में उन्हें राजेश खन्ना के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।
तो शत्रुघ्न सिन्हा की ये फिल्म आ रही थी खून भरी मांग दूरदर्शन पर, और जब भी शत्रुघ्न सिन्हा स्क्रीन पर आते थे स्क्रीन को फ्रीज कर दिया जाता था। पूरी फिल्म में आपने कहीं पर भी शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं देखा, मगर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर पूरी एक फिल्म आ रही है और इसको लेकर किसी तरह का कोई शोर नहीं है, ना चुनाव आयोग की तरफ से ना विपक्षी दलों की तरफ से। मैं आपसे यही तो जानना चाहता हूं दोस्तों, ये देश की संस्थाओं को बर्बाद ना करना हुआ तो आखिर क्या हुआ? और इसको आपको जोड़ के देखना होगा कि साक्षी महाराज दरअसल क्या कह रहे हैं। अब जो चुनाव होने वाला है वो देश का चुनाव होने वाला है। पहले बार देश में जागृति आई है, हिंदू जग गया है, लोग जग गए हैं, और मुझे लगता है इस चुनाव के बाद, मैं सन्यासी हूं, मन में जो आता कह देता हूं, अनुभव करता हूं, इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा। अब आपको वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस इंटरव्यू की इन दो बातों पर गौर करना होगा। यह इंटरव्यू उन्होंने न्यूज 18 को दिया। इन्होंने दो बातें कही। पहली बात उन्होंने कहा कि यह चुनाव है डरावने गठबंधन बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देश की जनता यह देखेगी कि उसे एक ऐसा गठबंधन चाहिए जिसकी 6 महीने में सरकार गिर जाए, या एक मजबूत नेतृत्व के तहत चलने वाली सरकार। यानी कि आपने गठबंधन को डरावना गठबंधन कहा। जब इस प्रकार के डरावने गठबंधन को लोग देखते हैं तो उनको फिर याद में आता है कि मुझे 6 महीने की सरकार नहीं चाहिए, मुझे 5 साल की अच्छी सरकार चाहिए। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों, आप एक सियासी शक्ति को डर के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि आपका पूरा कारोबार, इस सरकार का पूरा कारोबार डर पर चलता रहा है। अगर आप मोदी जी के साथ नहीं हैं तो आप देशद्रोही हैं, अगर आप बीजेपी सरकार का साथ नहीं दे रहे तो आप एंटी नेशनल हैं, अगर आप प्रधानमंत्री की हां में हां नहीं मिलाएंगे तो आप पाकिस्तान चले जाइए। ये तमाम बातें मेरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है जो इस देश में चली आ रही है, और इन चीजों को लेकर आप में रत्ती भर भी जागरूकता नहीं है। तो आपने गठबंधन को डरावना बता दिया। अरुण जेटली के इसी इंटरव्यू की एक दूसरी बात है जिस पर आपको गौर करना होगा। अरुण जेटली इस इंटरव्यू में कहते हैं कि इस सरकार का विरोध गिने चुने वेबसाइट्स और 3-4 पत्रकार कर रहे हैं, जिनका जो कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियंस हैं, यानी कि जो बगैर किसी मतलब के विरोध करना जानते हैं। इन दोनों बातों पर गौर कीजिएगा। पहली बात वो कह रहे हैं 3-4 वेबसाइट्स हैं, और जाहिर सी बात है जब उन 3-4 वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं तो उनका इशारा न्यूज क्लिक की तरफ भी है, क्योंकि न्यूज क्लिक ने चाहे किसानों का मुद्दा हो चाहे युवाओं का मुद्दा है, बार बार आपके सामने इन समस्याओं को रखा है। और दूसरी चीज पर गौर कीजिएगा, कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियंस, यानी कि कुछ ऐसे पत्रकार जिनका तो काम ही होता है विरोध करना। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों कि अरुण जेटली प्रोडक्ट हैं इमरजेंसी के। देश में जब आपातकाल हुआ था तो बतौर युवा नेता अरुण जेटली ने इसका विरोध किया था, वो उस आंदोलन में शामिल थे। आज इस सत्ता से सवाल पूछने वाले को अरुण जेटली कहते हैं ये कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियंस है, यानी कि बेमतलब पर विरोध करते हैं। जब आप देश में नफरत को जायज करने का काम करेंगे, जब आप देश में उदारवादियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए असुरक्षा का माहौल पैदा करेंगे तो आपकी तो नीतियों का विरोध किया जाएगा ना। जब पिछले 14 सालों में किसानों की जो आय में बढ़ोतरी है वो सबसे कम हो गई है, जब पिछले 40 सालों में बेरोजगारी का हाल सबसे बुरा है इस देश में, तो क्या ये सवाल नहीं उठाए जाएंगे अरुण जी? और जो लोग सवाल उठाएंगे आप उन्हें कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियंस कहेंगे? अब देखिए दोस्तों, ये हो क्या रहा है, ये हो यही रहा है कि जो सवाल उठाएगा उसको इस तरह से चिन्हित किया जाएगा, उन्हें इन तमाम जुमलों से नवाजा जाएगा, क्योंकि ये तो जुमलों में एक्सपर्ट पार्टी है, लिहाजा लोगों के लिए भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह अपने आप में बहुत दुखद बात है दोस्तों, बहुत दुखद बात है, क्योंकि जब इस तरह के चीजों से देश के नागरिकों को नवाजा जाएगा
और फिर आप इसे जोड़ के देखिए साक्षी महाराज ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा। अब चुनाव होने वाला है तो देश का चुनाव होने वाला है, पहले बार देश में जागृति आई है, किंतु जग गया है, लोग जग गए हैं, और मुझे लगता है इस चुनाव के बाद मैं सन्यासी हूं, मंदिर द्वारा कह देता हूं, अनुभव करता हूं, इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा। उन्होंने यही कहा कि 2019 में मोदी दोबारा आए तो इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। ये वो सोच है, ये वो सोच है जो इस पार्टी के कई समर्थकों में चल रही है। इसकी मंत्रणाएं अक्सर होती हैं बीजेपी के सांसदों में, इस बात की मंत्रणाएं अक्सर होती है, जो कट्टरवादी हिंदुत्ववादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, जिनके जहन में देश के नागरिकों को, हिंदुओं के अलावा देश के नागरिकों को दोयम दर्जा देने का जिनका जिनकी योजना है, उनके जहन में प्लान हमेशा जो है पनपता रहता है कि अगर मोदी जी एक बार आए 2019 में तो उसके बाद चुनाव नहीं होंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ा अजीम गुनाह है दोस्तों, और मैं यही जानना चाहता हूं कि इस तरह की असुरक्षा पैदा करके आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दे तो हल हुए नहीं ना। आज की तारीख में आप किसी भी कट्टर मोदी भक्त से पूछिए कि साहब मोदी जी ने जो जो वादे किए थे, चाहे नारी सुरक्षा को लेकर हो, चाहे जॉब्स को लेकर हो, चाहे सेनाओं की सुरक्षा को लेकर हो, तो उनका जवाब क्या होता है कि विकल्प क्या है। यानी कि अच्छे दिनों से अब आप इस बात कर पर आ गए कि साहब अगर ये गए तो और भी बुरे दिन आएंगे। और ये सिर्फ अरुण जेटली नहीं कह रहे हैं या साक्षी महाराज नहीं कह रहे हैं, इस पार्टी का हर सांसद हर नेता हमें इसी तरह से डराता है कि अगर मोदी जी गए तो देश में अराजकता आ जाएगी। इस तरह की बातों से डराना एक प्रजातांत्रिक देश को शोभा नहीं देता। आप और हम प्रजातंत्र में 2004 में एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व था अटल जी का, उस वक्त भी विपक्ष में नेतृत्व को लेकर अकाल था, मगर वाजपेयी जी को वोट आउट किया गया और उसके बाद एक सरकार आई जो 10 साल तक चली। क्यों चली? क्योंकि इस देश का प्रजातंत्र में अटूट विश्वास है। जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप प्रजातंत्र की नींव, उसकी जड़ों पर वार करेंगे, और यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। मैं जाते जाते आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूं, यह गीत जो हमारे समाज में व्याप्त भय की ओर इशारा कर रहा है। पता नहीं मैं इसे गीत कहूं, कविता कहूं या क्या कहूं, मैं अब तक इसको परिभाषित नहीं कर पाया हूं, इसे डिफाइन नहीं कर पाया हूं, मगर आप सुनिए इस खूबसूरत प्रस्तुति को और फिर सोचिए कि साक्षी महाराज ने क्या कहा। बार बार आपके हितों को किस तरह से कुचला जा रहा है, आपके मुद्दों को कुचला जा रहा है, और उस पर एक जामा पहनाया जा रहा है नफरत का, उस पर जामा पहनाया जा रहा है पोलराइजेशन का, जिसका परिणाम हमारे समाज में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रस्तुति को देखने के लिए, और आप सुनिए ये आवाज। कल सुबह मैं निकला मॉर्निंग वॉक पे, लीक चाय बैठा चौक पे, सूरज उगा नहीं था अब तक चांद फलक पे, अब भी बाकी था, नशे में लड़खड़ा रहे थे सितारे, मेरे संग बैठा चाय पी रहा साकी था। वक्त फजर गुजर गई न हुई अजा, मैंने पूछा क्या बात है, क्या मस्जिद हो गई बंद, साकी ने कहा टूट गई मस्जिद, होती नहीं अजा, अब इबादत करने वाले रह गए थे बहुत चंद। हवाएं सर्द थी, मौसम खुशनुमा था, बस पास में बैठी एक छोटी बच्ची थी गमगीन,
जमी पे ओस पड़ी थी, मैंने ओस चख के देखा, ओस थी नमकीन। और साकी ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता। आवारा है। मैं चला आगे, सुबह बस हो ही चली थी, आगे जाके की दुकान पे बहुत भीड़ लगी थी। मैंने पूछा क्या बेच रहे हो, न दाल है न चीनी न नमक। दुकानदार ने कहा पूछा है इस बार न पूछना, दोबारा दे रहा हूँ सबक। मेरे पास बेचने को कुछ नहीं, सो बेच रहा हूँ गफलत। दाल बहुत महंगी है सो लोग खरीद रहे हैं नफरत। सब अपनी सहूलियत से खरीदते हैं नफरत, कोई कम कोई ज्यादा। ये दुकानदार मेरे दोस्त है, बस नफरत का एक प्यादा। और दुकानदार ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता। आवारा है।